नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेठी में बाल श्रम विभाग फेल होते दिखा। दरअसल अमेठी में छोटे बच्चों से हर घर जल योजना के तहत सड़क के बगल पानी सप्लाई के पाइप के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के द्वारा सड़क काट कर खुदाई कराया जा रहा है। मामला जगदीशपुर मुख्य सड़क मार्ग पर दारा नगर का है। फतेहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के पहले जोश भरने के लिए आए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने जिले के अलग अलग जगह पर जन चर्चा करते हुए भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों के एकजुटता पर कहा कि सभी दल एक होकर इस बार भाजपा को रोकने का काम करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को पार्टी से लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी। शहर के एक गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सपा अल्पसंख्यक पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेता सपा छोड़कर कांग्रेस में आ जाए, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बात नहीं करते हैं, उनकी बात ठीक से नहीं सुनते हैं, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय अब यूपी में उनकी बातें नहीं सुन रही। देखिए, अल्पसंख्यक कांग्रेस छोटी छोटी मीटिंगें कर रही है, 10-10 आदमी, 15-15 आदमी के साथ, और ये हमारा एक पूरा अभियान चल रहा है प्रदेशव्यापी। बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, इलाहाबाद, कौशाम्बी होते हुए रोज 5-5, 6-6 मीटिंग हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों के बीच भी और जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वोटर रहे हैं। हरदोई में दबंग ने मासूम के साथ दरिद्रता की हद पार करते हुए ग्रामीणों के सामने मासूम की पिटाई की। साथ ही मासूम की मां के सामने गंदी गंदी गालियां देते हुए मासूम की गर्दन पर डंडा रख दिया। आरोप है कि कोतवाली में भी मासूम की फरियाद नहीं सुनी गई। दबंग की पिटाई से मासूम बच्चा सदमे में है। आपको बता दें कि मामले का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं बदायूं में शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, साथ ही खरीदने और बेचने की रोकथाम को चलाए जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना बिसौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 1 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के हर अभियान और उससे जुड़े दिशा निर्देशों का एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह अनुसरण करते हैं। रविवार को गोरखपुर के सिविल लाइन स्थित गोकुल अतिथि भवन में शहर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक सर टिफिन पर चर्चा में भी उनकी ये भूमिका नजर आई। भाजपा नेतृत्व से पहली जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अन्य कार्यकर्ताओं की तरह मुख्यमंत्री भी अपने साथ टिफिन लेकर आए थे। बैठक में संबोधन समाप्त होने के बाद उन्होंने खुद टिफिन बॉक्स खोलकर कार्यकर्ताओं के साथ खाना खाया। भारतवंशी परिवारों का सम्मान बढ़ा है, बल्कि आज दुनिया के अंदर किसी भी संकट के समय दुनिया किसी की ओर देखती है तो आशा भरी निगाहों से वह भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की वहीं पीलीभीत में नाबालिग दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 15 साल की नाबालिग किशोरी को घर से उठाकर ले जाने का गांव के युवक पर आरोप लगा है। साथ ही आरोप है कि युवक ने आम के बगीचे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले में परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रावस्ती में आज दिल दहला देने वाली घटना प्रकाश में आई, जहां पर 11 साल की मासूम नाबालिग बच्ची को एक युवक ने पहले अपहरण किया, उसके बाद रेप और उसके बाद हत्या को अंजाम देकर एक बोरे में शव को भरकर नहर में फेंकाया। परिजनों ने जब मासूम बच्ची की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस हरकत में आई।
और नामजद तहरीर के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया। जब युवक ने निशानदेही की तो शव संदिग्ध परिस्थितियों में शहर नहर के किनारे पड़ा हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर पैड़ा एक गांव पड़ता है गिलौला थाना अंतर्गत, जिसमें एक राम मोहन पाठक जी रहते हैं। उनके द्वारा एक सूचना दी गई थाने में कि उनकी एक नाबालिग लड़की है जिसको उसी गांव का रहने वाला शील कुमार पुत्र राम फेरन वो अपने घर बुला के ले गया है। और काफ़ी देर तक जब लड़की अपने घर वापस नहीं आई तो जब थाने में रिपोर्ट उन्होंने लिखाई तो थाने में 107/23 मुकदमा संख्या धारा 363 के अंतर्गत दर्ज हुआ है। आज हम लोग ने रात से ही कई टीमों का गठन कर दिया था। वहीं हाथरस में 27 वर्षीय युवक की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में परिवारजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। मामला कोतवाली मुरसान क्षेत्र के गांव बिचपुरी का है। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में छेड़खानी के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल मारपीट और पथराव हुआ। इस पथराव में पीड़ित के पक्ष के दो लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। ये क्या मामला है? थाना कोतवाली देहात में का कोरिया पड़ता है, जहां से एक पक्ष राधे श्याम दूसरे पक्ष जगदीश थे, जिसमें राधे श्याम की घर की लड़की को जगदीश के पक्ष के लोग परेशान कर रहे थे। उसी में राधे श्याम और उनके घर के कई लोग गए थे शिकायत लेकर, जिस पर जगदीश एवं राधे श्याम में कहा सुनने में वाद होने लगा और एक दूसरे की मारपीट बदल गई। इसी में दोनों पक्षों से हल्के ईंट भी चलाए गए, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। उपरोक्त प्रकरण में उन दोनों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं बिजनौर में पुलिस ने लाखों रुपए की लूट की घटना का खुलासा किया। चोरों ने परिवार वालों को घर में बंधक बनाकर लूट की थी। मामले में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के पैसे मोबाइल जेवर बरामद किए गए हैं। मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के आशुतोषपुरम कॉलोनी का है। वहीं बिजनौर में तांत्रिक पर जबरन महिला के आरोप का रेप का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि रात के अंधेरे में पाखंडी तांत्रिक महिला की नजर उतार रहा था। इस दौरान तांत्रिक की महिला को देखकर नियत खराब हो गई। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना नूरपुर के कस्बे का है। सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हिंदू साम्राज्य दिवस के उपलक्ष्य में भव्य भगवा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा सियाराम इंटर कॉलेज गांगलहेड़ी से दिनारपुर कैलाशपुर होते हुए शत्रुघ्नपुरी कॉलोनी में संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार जीप ट्रैक्टर मोटरसाइकिल स्कूटर सवार और साथ ही पैदल यात्रा में सम्मिलित हुए। यात्रा में डीजे ध्वनि पर बजते भजनों पर कार्यकर्ता थिरकत करते हुए नजर आए। साथ ही जय श्री राम बजरंगबली की जय और वीर शिवाजी की जय के नारे लगाते रहे। जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं बुंदेलखंड के महोबा में आपराधिक मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। आज फिर थाना कबरई क्षेत्र के एक गांव में दो युवक एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित ने जब उसके साथ घटित हुई वारदात की बात अपने परिजनों से बतलाई तो उनके होश पुख्ता हो गए। गैंगरेप की इस वारदात से गांव सहित इलाकों में सनसनी मच गई। तो वही मामले की सूचना पाते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता द्वारा बताया गया कि गांव के ही दो युवक द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी और पीड़िता पहले से एक दूसरे से परिचित थे।
पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए महिला जिला अस्पताल भेज दिया गया है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। थाना कबरई पर सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया है। सूचना प्राप्त होते ही इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। सभी अधिकारियों द्वारा मौके को विजिट किया गया है। पीड़िता को मेडिकल हेतु रवाना किया गया है व अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। बहुत प्रथम दृष्टया इसमें यह पता चला है कि लड़की ये दोनों लड़के गांव के ही हैं और लड़की को पहले से जानते थे। इसमें तुरंत शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अलीगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भाजपा के मंत्री राधा मोहन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के मंत्री के द्वारा सरकार की कसीदे पढ़े गए। विकास कार्यों में लगातार भाजपा को सबसे आगे बताया गया। भाजपा कार्यालय पर हुई मीटिंग में भाजपा के मंत्री के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सराहना भी की गई। पूरा होने पर संपूर्ण देश में 30 जून तक हमारा जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसी के तहत मैं आज अलीगढ़ में आया हूँ। हाथरस जाऊँगा, मथुरा जाऊँगा, और जो मोदी जी के कार्यकाल में देश जो सशक्त बना है, शक्तिशाली बना है, स्वाभिमानी बना है, और आर्थिक रूप से जो संपन्नता आई है, जिससे गांव के बुनियादी ढांचों से लेकर जो गांव गरीब किसान है उसकी मजबूती आई है। झांसी में सब्जी मंडी टहरौली के पास अंबेडकर पार्क की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शनिवार को तहसील समाधान दिवस पर जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार के समक्ष शिकायत करने पर जिलाधिकारी झांसी ने मामले को संज्ञान में लेकर राजस्व विभाग के कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई थी और तत्काल अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए थे। आज रविवार को 3 बजे भारी पुलिस बल के साथ नायब तहसीलदार दीपक कुमार, लेखपाल संजीव गुप्ता और प्रभारी निरीक्षक भीमसेन पौनिया ने भारी पुलिस बल के साथ अवैध कब्जे को लेकर कड़ी सुरक्षा और शांति व्यवस्था के बीच अम्बेडकर पार्क की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। वहीं श्रावस्ती में दिन दहाड़े बैंक से चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल एक अज्ञात महिला बैंक में पैसे जमा करने आई बुजुर्ग महिला के बैग में रखे 1,14,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई थी। पीड़ित परिजन के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी, जिसका आज SP प्राची सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 12 घंटे के अंदर घटना का खुलासा किया है और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 जून को एक घटना घटित हुई इंडियन बैंक के अंदर। ये घटना लगभग 12:48 में घटित हुई थी। एक पर्दानशीन महिला बैंक में गई और एक बुजुर्ग महिला जो अपने कोई पैसे वहाँ डिपॉजिट करने आई थी, उनका बैग लेके वहाँ से फरार हो गई। हम लोगों ने यहाँ पे CCTV कैमरा दिखवाया और बाकी जन सहयोग से भी लोगों की मदद ली और कई टीमों का इसमें गठन किया गया। काफ़ी इसमें मेहनत करने के बाद 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस महिला को भी बरामद कर लिया है और उसके साथ की जो 1,14,000 की जो नकद उसने जो चोरी करके वो गई थी, वो भी पुलिस टीम द्वारा बरामद कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।